टट्टी लीग्स का और आईपीएल का कंपैरिजन करते हो, शर्म नहीं आती आपको? और भाई जान वुमेन्स लीग से कंपैरिजन कर लो अपना, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में और कितने पानी में नहीं हो। तरह से पोटरे करा रहे हैं ये यार, बाबर से महंगी बिकी है ये बताने की क्या जरूरत है? अब भाई तो जितने मतलब जो करेंसी है जो वैल्यू है उस हिसाब से ही आप जो है वैल्यूएट करते हैं यार। तो मैं देख रहा था वुमेन्स आईपीएल के अंदर आराम से 2 करोड़ 1.5 करोड़ पाकिस्तानी मेरे ख्याल है 5-6 करोड़ बन जाता है, तो आपके बाबर नसीम शाहीन को टक्कर दे रही है उनकी लड़कियां। वुमेन्स प्रीमियर लीग में भी इतना पैसा है, ये वुमेन्स प्रीमियर लीग पीएसएल को बीट कर गई है यार। अंदाजा लगा लो कि हम लोग आईपीएल का आईपीएल से कंपैरिजन करते हैं पीएसएल का, और ये आपका कंपैरिजन तो वुमेन्स लीग से नहीं बनता, जो वुमेन्स लीग वाली जो डब्ल्यूपीएल हो रही है भाईजान, लानत है आपकी शक्लों के ऊपर लानत। दोस्तों कल डब्ल्यूपीएल का ऑक्शन हो रहा था और भारतीय खिलाड़ियों पर करोड़ों की बरसात हुई, लेकिन अगर भारतीयों की बात किया जाए तो काशवी गौतम एक अनकैप्ड प्लेयर और वो 2 करोड़ में बिकी है। गुजरात जेंट्स के लिए इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है कि सबसे ज़्यादा पैसों में बिकने वाली अनकैप्ड प्लेयर बन गई। वीरेंद्र दिनेश को भी 1.3 करोड़ में गुजरात जेंट्स ने खरीदा है, तो समझ सकते हैं कि दोनों प्लेयर को कितने ज़्यादा पैसों में खरीदा गया। अगर बात करूँ काशवी गौतम की, तो काशवी गौतम एक ऐसा प्लेयर बन गई है कि स्मृति मंडारा के बाद में वही बाबर आजम के जितना पैसा लेने लगी है, क्योंकि बाबर आजम जो है वो इंडियन रुपीस में हम निकाले तो 1.3 करोड़ लेता है पीसीएल में, और जो हमारे काशवी गौतम है वो 2 करोड़ लेते हैं, तो बाबर आजम इन्हें 70 लाख इनसे 70 लाख ज्यादा लेते हैं। आइए वीडियो में देखते हैं। दूसरी तरफ ये है कि आज विमेंस आईपीएल जो है उसका ऑप्शन हुआ और तो बिक गई सारी, तो 3.4 करोड़ मिले जो मतलब खवातीन क्रिकेट की वीरेंद्र सहवाग है, युवराज सिंह है, उनका नाम है स्मृति मंधाना कर दिया। मेरे घंटे के फैंस भी बेहोश हो गए उसके पैसे वैसे देख के है। क्या रेट मिला भाई? हाँ क्या बात है यार, घर के साथ आई और उसके बाद मेरे घंटे के फैंस बेहोश हो गए यार। इतने तो 3-4 पीएसएल के पैसे हैं जो एक आईपीएल के मिल गए इसमें को। तरह से पोटरे करा रहे हैं ये यार, बाबर से महंगी बिकी है ये बताने की क्या जरूरत है? अब भाई तो जितने मतलब जो करेंसी है जो वैल्यू है उस हिसाब से ही आप जो है वैल्यूएट करते हैं यार। अब आपके पास वुमेन्स की एक बहुत बड़ी ये भी आएगी, लीग भी आएगी देखने के लिए, आपके पास आज नहीं कल नहीं सब सभी औरतें खेलेंगी उसमें यार। अपनी लड़की को 1.5 करोड़ दी है, ये होता है असल मकसद किसी भी लीग का। तो जो विमेंस का आज हुआ मतलब कमाल ऑक्शन हुआ यार, कहाँ तो आप जरा देखेंगे बाबर आजम को तकरीबन 1.5 या 2 करोड़ मिलते हैं यहाँ पर पीएसएल में, और कहाँ स्मृति मंधाना विमेंस क्रिकेट में वो इंडियन 3.4 करोड़ लिया। इंडियन 3.4 करोड़ मीन्स लाइक यू नो इट्स राइट नाउ इट्स आई थिंक 3.2 का वो है इंडियन करेंसी और पाकिस्तान करेंसी से डिफरेंस, तो तकरीबन 3 टाइम्स बढ़ा दें आप तो लाइक दिस 3.4 वुड बिकम क्लोज टू से 9 करोड़ या 10 करोड़, ठीक है? तो आप सोचें यार कि मतलब कितना फर्क है, 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज बन जाएंगे, 10-10 करोड़। तो नॉट सरप्राइज ऑप्शन, इट्स रियली अ बिग बूस्ट फॉर विमेंस क्रिकेट, बहुत जबरदस्त चीज़ है यार कि इतना पैसा विमेंस क्रिकेट में आ गया है। और अभी तो जो इनिशियल सिर्फ 5 टीमें हैं, लेकिन यू कैन जस्ट इमेजिन वेयर विमेंस क्रिकेट इज ऑल्सो गोइंग नाउ यू नो बिकॉज ऑफ दिस आईपीएल। लेकिन मैं वही मुझे अफसोस पर बैठकर थोड़ा ये हो रहा था यार, हमारे मतलब जो क्वालिटी है हमारी विमेंस टीम की उसमें 2-3 प्लेयर्स तो डेफिनेटली अच्छे पैसे लेके आते, जैसे निडर डार थी या वो लड़की है ऐशा नसीम 16 ईयर ओल्ड, ऐशा नसीम एक दो और है डायना बेग वगैरह, दे वुड हैव फेच्ड डिसेंट अमाउंट्स इन दिस व्हाट यू कॉल इट इंडियन आईपीएल। लेकिन क्या करें यार, नहीं है तो नहीं है, अभी क्या उस पर बैठकर होना, बट डेफिनेटली हमारी लड़कियाँ सोचती होंगी यार कि मतलब कब हालात बेहतर होंगे इंडिया पाकिस्तान के कि हमें भी मौका मिले कि हम जाके देखें। स्मृति मंधाना 3.4 करोड़ में बिकी है भाईजान, और बकरी बाबर आजम हमारा पीएसएल का जो बाबर आजम है टट्टी भाईजान, टट्टी पीएसएल में भाईजान बाबर आजम कोई 1 समथिंग करोड़ में बिकता है, अंदाजा लगा लो भाईजान अंदाजा लगा लो। और हम लोग पीएसएल का कंपैरिजन आईपीएल से करते हैं, डब्ल्यूपीएल से नहीं, वुमेन से नहीं करते, हम आईपीएल से कंपैरिजन करते हैं। हमारी हड हरामी हमारी मुतमिन बगैरती का अंदाजा लगा लो कि हम लोग आईपीएल का आईपीएल से कंपैरिजन करते हैं पीएसएल का, और ये आपका कंपैरिजन तो वुमेन्स लीग से नहीं बनता, जो वुमेन्स लीग वाली जो डब्ल्यूपीएल हो रही है भाईजान, लानत है आपकी शक्लों के ऊपर लानत। 3.4 करोड़ में वो स्मृति मंधाना बिकी है, बाबर आजम 1 समथिंग करोड़ में बिकता है, अगर इस 3.4 करोड़ को पाकिस्तानी रुपीज में ले गया हो ना तो वो पता नहीं कितने को डबल आई थिंक 11 करोड़ से 12 करोड़ में ज्यादा बन जाते हैं पाकिस्तानी। और अगर बाबर आजम के 1.5 करोड़ को इंडियंस में लेके जाओ तो वो 55 लाख रुपीज बनते हैं। ये है बाबर आजम का स्टैंडर्ड। बाबर आजम इसका मतलब है स्मृति मंधाना बाबर आजम से 1000 गुना बेहतर प्लेयर है, उसकी प्राइस वैल्यू बाबर आजम से 1000 गुना बेहतर प्लेयर है, और घंटे को हमने किंग बना दिया हुआ है। ये है आईपीएल का स्टैंडर्ड और ये है पीएसएल का स्टैंडर्ड। ये जो पीएसएल और ये वुमेन्स वाली लीग होने वाली है ना, ये आपस में आप कंपैरिजन करेंगे, इनका करो कंपैरिजन,
दम है तो इनका करो कंपैरिजन। भाई एक बार बात सुनी, लोग बकवास कर रहे थे शाहीन शाह अफरीदी अगर पीए आईपीएल में जाते हैं वो 200 करोड़ का बिकेगा, मतलब टट्टी लेवल की लॉजिक चेक कर लो, 200 करोड़ में शाहीन अफरीदी बिकेगा, मतलब तमाश भी नहीं हो रही है ना इतने। चलो मैं अब आपको बात करता हूं, अगर ये किंग कोहली आईपीएसएल में चला जाए ना पीएसएल में, तो सारी टीमें मिलकर भी इसको ना खरीद सके, ये स्टैंडर्ड इस बंदे का, और ये मैंने सच्ची बात की है। और 13 करोड़ रुपया मिलता है पीएसएल की विनिंग टीम को, 13 करोड़ रुपया, 13 करोड़ में तो इंडियंस भाईजान बंदे खरीदते हैं, 18 करोड़ में तो सैम करन को खरीद लिया था उन्होंने, और 18 करोड़ पाकिस्तानी बना कितने बनते हैं वो 50 लाख करोड़ के करीब बनते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ भाईजान आईपीएल और इंडियन क्रिकेट, टट्टी लीग्स का और आईपीएल का कंपैरिजन करते हो, शर्म नहीं आती आपको? और भाईजान वुमेन्स लीग से कंपैरिजन कर लो अपना, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में और कितने पानी में नहीं हो। हम एक तरफ बात करते होते हैं कि हमने पीएसएल को आईपीएल से ऊपर पहुंचाना है, ऐसा ही बात करते हैं। उनकी वुमेन आईपीएल पिछले सीजन जब हुई थी ना, पीएसएल की ड्यूरेशन के अंदर ही हो रही थी, और रच के व्यूअरशिप भी वुमेन्स आईपीएल ने ली थी, और वुमेन्स आईपीएल में जो उनकी औरतों को पैसा मिलता है ना, वो आपकी पता है उससे जैसे कहते हैं ना ऊपर चला जाता होता है। अगर मैं बात करूं तो मैं आज भी देख रहा है 10-10 लाख जिसकी बेस प्राइस है 2-2 करोड़ की, वो लड़कियां बिकड़ी है, 2-2 करोड़ की बिकड़ी है, तो पैसा वुमेन्स आईपीएल में भी अन्य वाला लग रहा है। और कुछ जो बड़ी खिलाड़ी होती है वो तो वैसे भी 3-4-5 करोड़ की तो आराम से उनके पास होती है, तो मैं देख रहा था वुमेन्स आईपीएल के अंदर आराम से 2-1.5 करोड़ पाकिस्तानी मेरे ख्याल है 5-6 करोड़ बन जाता है, तो आपके बाबर नसीम शाहीन को टक्कर दे रही है उनकी लड़कियां, तो आप हिसाब लगा ले उनकी वुमेन टीम को आईपीएल में ही इतने पैसे मिलते हैं, ज्यादा ही पैसा। और आप देखें ये अच्छे बोर्ड की निशानी होती है, लेकिन जो वुमेन्स आईपीएल है ना ये होती है मसला, ये पीएसएल के टाइम के अंदर होती है, तो इस लीग ने पहले सीजन के अंदर काफी ज्यादा हर्ट किया था, जो थोड़े बहुत लोग इंडिया के अंदर पीएसएल देखते थे वो भी वुमेन्स आईपीएल देखने लग गए थे। आप ये देख ले के आईपीएल वुमेन आईपीएल जो है वो उसका इतना कैलिबर पहले सीजन में ही था कि वो 8वें सीजन को टक्कर दे रही है, बिल्कुल। तो हमारे यहाँ आप स्टैंडर्ड देख लें कि उनका कितना जबरदस्त बड़ा तरह उन्होंने ऊपर हाई स्टैंडर्ड रखा हुआ है, और ये एक तरह से मैं कहता हूँ कि जरा शर्म की बात भी है पीएसएल के लिए और हमारे लिए। अच्छा देखो, औरतों की लीग के अंदर ऑप्शन हो रही है या मर्दों की लीग में ऑप्शन नहीं हो रही? भाई तो बात है, कहते हैं ना देखें इंडिया ने अब पैसे को बहुत इन्वॉल्व किया है। ओह माय गॉड, ये इंडिया हेलो क्या कर रहे हो यार, प्रीमियर लीग का ऑक्शन हुआ, क्या कमाल का ऑक्शन हुआ, मैं उनके रुपए देख के अनकैप प्लेयर्स यार, अनकैप प्लेयर्स को इतने रुपए दे रहे हैं, पाकिस्तानी 2 करोड़ को आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करो 50 लाख रुपया यार, 50 लाख रुपया बनता है, बाबर आजम घंटे की सैलरी 50 लाख रुपया, शाहीन घंटा 50 लाख रुपया, हमारे पीसीबी की ये औकात है कि हम प्लेयर्स को इंडियन हिसाब से देखो तो 50 लाख रुपए से ऊपर नहीं दे सकता है, हमारी गुंजाइश नहीं है। और उधर वुमेन्स प्रीमियर लीग में यार पाकिस्तानी 8 करोड़ वुमेन्स में भाईजान 8 करोड़ रुपया, काशी गौतम की 2 करोड़ की बिड लगी है पाकिस्तानी 8 करोड़, और फिर आप दिनेश की देखो, वृंद्रा दिनेश की 1 करोड़ 30 लाख रुपए की बिड यार, इंडिया के वुमेन्स के आईपीएल में भी इतना पैसा है यार, वुमेन्स प्रीमियर लीग में भी इतना पैसा है, ये वुमेन्स प्रीमियर लीग पीएसएल को बीट कर गई है यार भाई, आफ्टर आईपीएल तो ये वुमेन्स प्रीमियर लीग सबसे बड़ी है, जो 8-8 करोड़ रुपया दे रही है पाकिस्तानी, जहां पाकिस्तानी 2 करोड़ रुपया दे रहे हैं। और ये मैं आपको बताता हूं, ये साउथ अफ्रीकन लीग के कॉन्ट्रैक्ट, ये बिग बास्केट कॉन्ट्रैक्ट, ये काउंटी के कॉन्ट्रैक्टों से भी ज्यादा है भाई जान। अब इंडिया वालों को मुबारक हो कि दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल, जो तो बड़े होने में भी आगे है, बहुत आगे है, वो तो पहले नंबर पे है, अगर दूसरे नंबर पे पैसों के एतबार से क्वालिटी के हिसाब से वुमेन्स की देखेंगे तो भाई जान ये वुमेन्स प्रीमियर लीग है। सोच रहा था मिनी ऑक्शन तो कोई 1 करोड़ तक हो जाएगी, वो भी पाकिस्तानी 4 करोड़ बनता है, हमारे प्लैटिनम वालों से डबल हो जाता है, बट ये तो सीधा यार 2-2 करोड़ पाकिस्तानी 8 करोड़ कमाल कर दिया यार इंडिया वालों ने, पाकिस्तान में भोपाल मचा हुआ है, पाकिस्तानी मीडिया वहां कहती है ये इतना पैसा लाते कहते हैं कैसे।